पिता ने री छोकरी संतरे की टोकरी घर तो छुड़वाया अब क्या छुड़ाएगी नौकरी। सभी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा क्लीन गर्ल मेकअप लुक। टिकटॉक पे बहुत ज्यादा फेमस है, वायरल है, यू नो क्लियर लुक है ये, मतलब एक क्लासिक कोरियन ग्लास स्किन वाली मेकअप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसे कहीं पर भी वेयर कर सकते हो और आप देख सकते हो कितना ज्यादा प्रीटी ब्यूटीफुल दिख रहा है। वीडियो अच्छा लगता है ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बहुत सारे मेकअप लुक्स मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हो, सभी के लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया है ब्यूटीफुल सा क्लासी ग्लास मेकअप लुक, कोरियन क्लियर गर्ल मेकअप लुक। आई होप आप इंजॉय करोगे वीडियो को, वीडियो को पूरा देख लेना एंड तक बिना स्किप किए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द स्किन केयर। सबसे पहले मैंने फेस को वॉश कर लिया है, ये अल्प्स गुडनेस के यू नो चंदन वाला फेस वॉश है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट स्टेप पर, टोनर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ अल्प्स गुडनेस का सेम रोज हिप वाला टोनर है, आपके स्किन को हाइड्रेट रखेगा, नेचुरली ग्लो प्रोवाइड करेगा। एंड सीरम अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, आप कोई सा भी वेरिएंट्स के सीरम यूज़ कर सकते हो आपके स्किन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। अगर आपको एक्ने वगैरह है, पिंपल्स वगैरह है, तो आप यूज़ करना विटामिन सी वाला। यहाँ पर मैंने दूसरा वेरिएंट वाला यूज़ किया है। और यहाँ पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ सेम गुड वाइब का ही, अच्छे से मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लूँगी। मॉइस्चराइज़र आपको वही अप्लाई करना है जो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हो अच्छे से। डार्क सर्कल्स पर भी मैंने अंडर आई क्रीम अप्लाई कर ली है, मामाअर्थ का डार्क सर्कल्स क्रीम लिया था। अब थोड़ा सा ऐसा डैप डैप कर लूँगी एंड देन स्टार्ट करेंगे मेकअप। तो ये स्किन केयर कंप्लीट हो गया है, अब बढ़ते हैं मेकअप पे। तो सबसे पहले स्टे क्वर्की का ये सीरम लिया है मैंने, सीरम नहीं है ये प्राइमर ऑयल है, तो प्राइमर को अप्लाई कर लूँगी फेस पर। ये थोड़ा सा ऑयली फॉर्म में है, आप चाहो तो दूसरा टाइप का प्राइमर भी अप्लाई कर सकते हो। एंड मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है टी जोन एरियाज पर, पोर्स पर, ताकि यू नो स्किन रेडी हो जाए मेकअप के लिए। अब इल्यूमिनेटर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का, थोड़ा सा ड्यूई लुक चाहिए था क्योंकि ये विद इन अ ग्लो वाला मेकअप है, तो इल्यूमिनेटर अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पर। इल्यूमिनेटर है स्विस ब्यूटी का, इन द शेड पिंक कलर में है और ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो। और इसे मैं लेकर पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी, और थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है तो आप एंड में फिंगर की हेल्प से भी इसे यू नो थोड़ा सा स्प्रेड कर सकते हो। और ये जो ब्रशेस मैं यूज़ कर रही हूँ सारे वो बैली के ब्रशेस हैं, अमेज़ॉन से मैंने परचेज़ किए हैं। और सारे प्रोडक्ट्स का लिंक चाहिए ना आपको तो आप पर्पल हॉल मेरा चेक कर सकते हो, पर्पल हॉल में लेके आई थी, वही प्रोडक्ट मैं यूज़ करके यहाँ पर मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, पर्पल हॉल आपको मिल जाएगा। एंड आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो, पर्पल हॉल अंडर ₹250 मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ करे हैं, जो आपको शो करे हैं, वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इल्यूमिनेटर अच्छे से अप्लाई हो गया, फिंगर की हद से भी मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर लूँगी ताकि वो ना ज़्यादा ज़्यादा ना लगे, बिल्कुल ग्लो टाइप दिखना चाहिए। एंड गाइस, ब्यूटी ब्लेंडर से आपको बिल्कुल भी इसे डैप डैप नहीं करना है, ताकि ब्यूटी ब्लेंडर से करोगे ना तो पूरा प्रोडक्ट सोकिन हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा लगाया नहीं लगाया एक बराबर। अब यहाँ पर मैं लैक्मे का फाउंडेशन ले रही हूँ, मैट वाला फाउंडेशन है, तो आप कोई सा भी फाउंडेशन ले सकते हो ड्यूई वाला जो आपकी स्किन टाइप को सूट करता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है और नेक पर भी अप्लाई कर लूँगी मैं, थोड़ा सा फॉरहेड्स पर भी, एंड अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी मैं अब पूरे फाउंडेशन को। और जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो फाउंडेशन कबूकी ब्रश है, इसकी हेल्प से डैप डैप करके अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। नेक पर भी ज़रूर अप्लाई करना है ताकि जो फेस और नेक बराबर दिखे, सेम दिखना चाहिए, अदरवाइज
नेक अलग कलर का दिखेगा, फेस अलग कलर का दिखेगा. तो ये सारी मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है. ओके, और अच्छे से डैप कर लें. ब्यूटी ब्लेंडर आप ले लोगे तब भी बेटर होगा, अगर बिगनर हो तो ब्यूटी ब्लेंडर बेस्ट है. यहाँ पर मैंने ना इनसाइड कॉस्मेटिक का जो पैलेट होता है ना कलर करेक्टर वाला, उसमें से येल्लो कलर लेकर अपने कंसीलर एज ए कंसीलर यूज़ कर लिया है. और ये बहुत ही अच्छा शेड था, तो मैंने सोचा क्यों ना कंसीलर की तरह अप्लाई कर लेती हूँ. एंड कवरेज भी बहुत अच्छी देता है. सारे प्रोडक्ट्स के जो नेम है वो मैं आपको प्रोनंसिएशन करके बता देती हूँ, आप purple.com से परचेस कर सकते हो. एंड यहाँ पर माउथ के अराउंड भी मैं सेम कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि यू नो थोड़ा ग्रेइश टाइप ना दिखे, और थोड़ा ब्राइटन अप इफेक्ट के लिए ये सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं. एंड अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे कंसीलर ब्रश की हेल्प से. कंसीलर ब्रश की हेल्प से आपको डैप डैप कर ही ब्लेंड करना है, स्वाइप नहीं करना है, और अच्छे से अपवर डायरेक्शन में देखकर ब्लेंड करना है ताकि कोई क्रीज ना पड़े. और मैं सेट भी कर लूँगी लूज पाउडर की हेल्प से. ये मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक का लूज पाउडर लिया है और ये बहुत ज़्यादा येल्लो था. मेरे को लगा कि ये ठीक ठीक होगा बनाना पाउडर जैसे रहता है, कभी ट्राई नहीं किया है मैंने लूज पाउडर एज अ बनाना. तो मैंने ट्राई किया इसे फर्स्ट टाइम, और इसने थोड़ा सा येल्लो कास्ट छोड़ दिया था और बहुत ज़्यादा येल्लो दिख रहा था. बट इसको डस्ट ऑफ करने के बाद में हाफ एन आवर बाद मेकअप बेटर दिख रहा था, नॉट लाइक भूत टाइप नहीं दिख रहा था, मतलब मैं प्रोनंसिएशन सही करूँ तो. एंड यहाँ पर जो ब्राउन कलर लिया है मैंने ब्राउ पैलेट से, इसे मैं अपनी क्रीज पर अप्लाई कर लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. क्रीजिंग पे ब्लेंडिंग बहुत ही शानदार होनी चाहिए. आप थोड़ा सा टाइम लीजिए और ब्लेंड करने में ज़्यादा वक्त दीजिए, क्योंकि ब्लेंडिंग अच्छी दिखेगी ना तो मेकअप लुक बहुत ज़्यादा प्रिटी दिखेगा. और इसमें तो पहले ही मुझे कम प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं और अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने हैं, कि ताकि वो विद इन अ ग्लो आपको मिल सके. और मैंने यहाँ पर येल्लो फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो ओके पाउडर था, लूज पाउडर आप कोई सा भी ट्राई कर सकते हो. या लिपस्टिक एज अ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि नेचुरल दिखना है तो लिपस्टिक से ज़्यादा नेचुरल कुछ भी नहीं सकता. तो लिपस्टिक अप्लाई कर लिया है एंड देन इसे ब्लेंड कर लूंगी ना. आप देख सकते हो कितना ज्यादा प्रिटी कलर आ गया है, पिंक कलर, पीच कलर, ब्राउन कलर. आपको कोई सा भी शेड चाहिए तो आप लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो नोज पर भी, चिन पर एंड फॉरहेड्स पर. ये सारी प्लेसेस पे ब्लशेस अप्लाई कर लूंगी ताकि थोड़ा सा क्यूट इफेक्ट दिखे. एंड काजल अप्लाई कर लेंगे, नॉट आईज मैंने सटल रखी है, काजल अप्लाई कर रही हूँ. यहाँ स्टेक और की का काजल है और यहाँ पर सेम मेबलिन का लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल ज़रा सा, मतलब ना के बराबर लाइनर, पतला सा, जो यू नो बैलेंस करके रखे आपके लोअर एंड अपर लैश लाइन को. मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ मार्स का, माय फेवरेट मस्कारा. मस्कारा अच्छे से अप्लाई कर लो लोअर लैश लाइन पर, क्योंकि आईज थोड़ी सी सटल है ना तो लैशेज थोड़ी सी प्रिटी दिखनी चाहिए. बस यही कॉम्बिनेशन होता है मेकअप के, सटल तो कुछ बोल्ड, कुछ बोल्ड तो कुछ सटल. अब यहाँ पर थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई कर लेंगे ताकि प्रिटी फेस दिखे, मतलब ग्लो आए आपके फेस पर और ज़्यादा, ताकि मैंने इल्यूमिनेटर लगाया, थोड़ा सा पाउडर से सेट भी हो गया था तो मैट फाउंडेशन भी लग गया था, इस कारण थोड़ा सा ग्लो हाइड हो जाता है. ऑफकोर्स इतना लेयर अप करते हैं मेकअप को, तो आप यहाँ पर हाइलाइटर भी ट्राई कर सकते हो. हाइलाइटर मैंने SFR का यूज़ किया है. लिपस्टिक यहाँ मेबलिन की यूज़ कर रही हूँ मैं, न्यूड कलर, जो 4 का पैक आता है ना पाउच फॉर्म में जो लिपस्टिक्स आती है, उनमें से एक न्यूड कलर का शेड लेकर मैं अप्लाई कर लिया है मैंने. बहुत ही प्यारा शेड है, आप कोई सा भी न्यूड अप्लाई कर सकते हो, पिंक न्यूड, ब्राउन न्यूड, पीची न्यूड, कोई सा भी ट्राई कर सकते हो. इस लुक के ऊपर सारे लिप्स शेड बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे. एंड लिप ग्लॉस अप्लाई करी हूँ यहाँ पर स्विस ब्यूटी का मैं, ताकि ग्लॉसी लिप्स दिखे तो लुक में चार चांद लग जाए. ओके, अच्छे से धीरे धीरे अप्लाई करना है. एंड ये ग्लॉस है स्विस ब्यूटी का, माय फेवरेट. एंड यहीं पर मेकअप लुक कंप्लीट होता है. अभी मैं अपना हेयर स्टाइल, ज्वेलरी वगैरह वियर करके वापस आती हूँ. आप वीडियो को पूरा देखना, यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच.
वीडियो हेल्पफुल रहती है ना, तो एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बताना मुझे वीडियो कैसा लगा। चैनल को चेक जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक मिल जाएंगे, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। मेकअप लुक कितना ज़्यादा प्रिटी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, कितना क्लियर ग्लास स्किन टाइप है, नेचुरल दिख रहा है बिल्कुल। आप कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हो, अगर क्रिएट करते हो ना तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना। ओके, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक व्हाट यू हियर देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू रिसीव नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई रिलीज अ न्यू वीडियो।